वी टॉकड अबाउट ग्लूटामिक एसिड एंड ग्लूटामिन देन वी टॉकड अबाउट लाइसिन देन आर्जिन एंड हिस्टीन तो दीज आर थ्री बेसिक आमेन एसिड्स दीज आर टू एसिडिकसिड्स दीज आर दी अमाइड्स ऑफ एसिडिक उसके बाद हमने डिस्कस किया है चार्ज ऑन अमेन एसिड वेरी एस पर पी एच वाई एमेन एसिड आर चार्ज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिसोसिएबल ग्रुप्स प्रोटोनेट डिप्रोटोनेट होने वाले ग्रुप्स की वजह से इन पर चार्ज आ सकता है कोई ग्रुप कितना डिप्रोटोनेट होगा या किस पीएच पर डिप्रोटोनेट होगा दैट इज गिवन बाय पीके और हमने डिस्कस किया है पीआई वैल्यू के बारे में पीआई इज द पीएच एट विच चार्ज ऑन मॉलिक्यूल बिकम जीरो हाउ टू नो द पीआई पीआई किसी आर्बन एसिड का कैसे कैलकुलेट करें बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ पीके वैल्यूज फॉर नॉर्मल आर्न एसिड टेक द एवरेज ऑफ अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड अल्फा अमिनो ग्रुप फॉर दोज एसिड्स व्हिच आर एसिडिक वी हैव टू टेक द एवरेज ऑफ ओनली अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स आइदर फ्रॉम अल्फा कार्बन एसोसिएटेड अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप और आर साइड चेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप और बेसिक आर्बन एसिड के लिए बेस बेसिक ग्रुप का एवरेज और एवरेज लेना जरूरी होता है ओके सो पी आई कैलकुलेट किया है हमने नाउ इन द टुडेज लेक्चर पेप्टाइड्स कुछ इंपॉर्टेंट के बारे में करेंगे, का कैसे किया जाता है और पेप्टाइड्स का पी आई वैल्यूज और उन पर चार्ज कैसे आता है इसके बारे में आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे सो लेट्स डिस्कस अबाउट द फर्स्ट पार्ट मेनली आई ऑफ पेप्टाइड्स। फर्स्टली पेप्टाइड के बारे में डिस्कस करेंगे व्हाट आर पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन मेनली अमीनो एसिड्स पॉलीमर आर कॉल्ड एस पेप्टाइड्स। अब इस पॉलीमर में क्या वेट है

दो अमीनो एसिड से लेकर ट्वेंटी सेवन एसिड तक हो सकती है okay. ओके हम आगे डिस्कस करेंगे पेप्टाइड्स को तीन कैटेगरी बांटा जा सकता है ऑलिगो पेप्टाइड प्रोटीन एंड पॉलीपेप्टाइड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हियर इन ऑर्डर टू फॉर्म अ पेप्टाइड व्हाट इज नीडेड अमीनो एसिड नंबर वन को अमीनो एसिड नंबर टू से या टू को थ्री से थ्री को फोर से अटैच करना जरूरी है कौन से बॉन्ड से

फिप्टाइट बॉन्ड फॉर्मेशन इज अ कंडेंसेशन रिएक्शन। इट इज कंडेंसेशन रिएक्शन। इसका मतलब जब कभी एक फिप्टाइट बॉन्ड बनेगा एक वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा फिप्टाइट बॉन्ड बनते समय तो देर इज अ लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल वाइल फॉर्मिंग द दिप्टाइट बॉन्ड फिप्टाइट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक आमिनो एसिड का और अल्फा अमीनो ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड का एक दूसरे के साथ रिएक्ट करना जरूरी होता है। तो अल्फा अमीनो ग्रुप एंड अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप दे शुड रिएक्ट विथ फॉर्मेशन। जैसे हम यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रा कर ले दिस इज द क्चर ऑफ वन ऑमेन एसिड जनरलाइज अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वन अमीनो एसिड एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अनदर अमीनो एसिड कौन सा ग्रुप है जो अल्फा कार्बोक्सिल्बॉक्सिलुप है दिस वन इज द अल्फा कार्बोक्सिली ग्रुप पहले अमीनो एसिड का अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड का अल्फा अमीनो ग्रुप एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे दिस इज अमीनो ग्रुप अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ अमीनो ग्रुप है एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और किस प्रकार की रिएक्शन कराएंगे कंडेंसेशन रिएक्शन और वेनएवर देर इज अ कंडेंसेशन रिएक्शन देर इज अ लॉस ऑफ वाटर अब वाटर मॉलिक्यूल लॉस करना है तो पहले एक ओएच OH डोनर चाहिए वाटर बनाने के लिए ओ एच आता है कार्बोक्सिल ग्रुप से और हाइड्रोजन आता है अमीनो ग्रुप से दिस हाइड्रोजन इज डिरा फ्रॉम द अल्फा अमीनो ग्रुप एंड ओ एच इज डि फ्रॉम द अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप नाउ दे आर रिलीज इंग दम ऑफ वाटर वाटर के फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे और इन दोनों को एक दूसरे के साथ अब अटैच किया जा रहा है तो दिस इज द नेक्स्ट स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म दिस इज द नेक्स्ट स्ट्रक्चर फॉन्ड इट इज अडिंगो एसे और यहां पर एक जो बॉन्ड बना है दिस बॉन्ड केमिकली वी कैन कॉल इट एज अमाइड बॉन्ड बट इफ इट इज प्रजेंट इन दिप्टाइड इट इज कॉल्ड एज पेड बॉन्ड तो पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए कंडेंसेशन रिएक्शन होना जरूरी है अब यहां पर जो पेप्टाइड बना है इसमें दो अमीनो एसिड्स हैं। पूरे पूरे अमीनो एसिड नहीं है अमीनो एसिड का एक अमीनो एसिड का कुछ पार्ट जैसे कि ए वन अमीनो एसिड का कुछ पार्ट ए टू अमीनो एसिड का कुछ पार्ट लॉस हो चुका है इसका मतलब ये जो पेप्टाइड बन रहा है इसमें पूरे के पूरे दोनों अमीनो एसिड अवेलेबल नहीं है अब उनके कुछ रिमेनिंग पार्ट्स रहेंगे तो इन दिस पेप्टाइड रेसिडिड एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एस आमिन एसिड रेसिडिड तो रेसिडिने का मतलब क्या है यहाँ पे कुछ पार्ट कंडन के दौरान दोनों अमेन एसिड ने क्या किया है लॉस किया ओके सो लॉस हो रहा है इसका मतलब मान लीजिए इसका वेट एटी किलो डाल्टन है सॉरी एटी डाल्टन है और इसका वेट एटी डाल्टन है फ्री फॉर्म में दोनों अमेन एसिड जब फ्री थे तब दोनों का वेट क्या था एटी इंडिपेंडेंटली बट दोनों को कंडेंस किया गया तो अब दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हो रहे हैं लेकिन अटैचमेंट के दौरान एक वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो रहा है ना तो इसका मतलब इसका मॉलिकुलर वेट ये जो डाई पेप्टाइड बन रहा है दो एसिड का जो पेप्टाइड बन रहा है इसका मॉलिकुलर वेट लॉजिकली क्या होना चाहिए दोनों का मिलाकर माइनस एक वाटर मॉलिक्यूल क्योंकि एक पेप्टाइड बॉन्ड बना एटी प्लस एटी दैट इज वन सिक्सटी माइनस एटीन क्या आना चाहिए वन सिक्सटी माइनस एटी विल कम बैक टू दिस पार्ट इसका मतलब वन फोर्टी टू द मॉनिकुलर वेट ऑफ दिस ओके तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या बना एक डाई पेप्टाइड हैविंग टू अमीनो एसिड रेसिड्यू दो अमीनो एसिड है ऐसा नहीं कहा जाता है दो अमीनो एसिड के रेसिड्यू है ऐसा कहा जाता है जे? और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इज अ एंडरगोनिक रिएक्शन इट इज एंडर्गोनिक रियाक्शन अब एंडर्गोनिक रिएक्शन मीन्स वॉट का मतलब क्या होता है एंडरगोनिक रिएक्शन का मतलब होता है ऐसी रिएक्शन जिसको बाहर से एनर्जी देना पड़ता है फॉर डूइंग रिएक्शन बाहर से एनर्जी लेनी वाली जो रिएक्शन होती है दैट इज कॉल्ड एज एंडिक रिएक्शन इसका मतलब इस पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने के लिए कोई एनर्जी दे रहा है हम आगे डिस्कस करेंगे पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी इनडायरेक्टली एटीपी से ऑप्टेन की जाती है एनर्जी डोनर इनडायरेक्टली पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं कब पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन आकर वाइल ट्रांसलेशन प्रोसेस ऐसे नहीं बनेंगे ट्रांसलेशन के दौरान पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे और ट्रांसलेशन के दौरान पेप्टेड बॉन्ड बनाने के लिए जो मशीनरी यूज की जाती है दैट इज राइबोसोम मशीनरी इसमें भी पेप्टेड बॉन्ड फॉर्मेशन करने वाला जो एंजाइम होता है इसका नाम है पेप्टाइडल ट्रांसफरेस। बस इतना याद रखना कि पेप्टाइडल ट्रांसफरेस खुद एक प्रोटीन नहीं है जो कि प्रोटीन बना सकता है खुद तो है आर आर एन ए लेकिन ये क्या कर रहा है प्रोटीन बना रहा है पेप्टाइडल इज नॉट अ एंजाइम इट आर एन ए नेचर एंजाइम और हम एंजाइम्स के टॉपिक में डिस्कस करेंगे ऐसे एंजाइम जो आर एन ए नेचर वाले होते हैं इन्हें कहा जाता है राइबोम तो पिप्टाइडल ट्रांसफरेज एक राइबोसोम का पार्ट है जो कि एक राइबोजाइम है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी हम आगे डिस्कस करेंगे यूकैरियोट्स में या प्रोकैरियोट्स में यूकैरियोट हो या प्रोकैरियोट हो लार्ज सबयूनिट ऑफ राइबोसोम में होती है लार्ज सबयूनिट यूकैरियोट का क्या होगा 60s और प्रोकैरियोट का 50s यूकैरियोटिक राइबोसोम 60s प्लस 40s सबयूनिट से बने होते हैं और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 50 प्लस 30 से बने होते हैं तो so, 60s में पेप्टाइडल ट्रांसपेरेज एक्टिविटी होती है मेनली हम आगे डिस्कस करेंगे 60s में भी 28s rrn ने नाम का रहने है जो rrn में है और प्रोकैरियोट्स में 23s rrn ने होता है जिसमें पेप्टाइडल ट्रांसपेरेज एक्टिविटी प्रेजेंट होती है ठीक है तो पेप्टाइड फॉर्मेशन उट में ट्वेंटी थ्री एस हम आगे डिस्कस करेंगे ट्रांसलेशन प्रोसेस के दौरान जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है सबसे पहले तो एन टर्मिनस पर आखिरी में सी टर्मिनस पर जोड़ा जाता है यह सबसे पहले एन टर्मिनस बनता है और सबसे आखिरी में सी टर्मिनस बनता है फ्री फॉर्म में दैट्स वाई प्रोटीन सिंथेसिस आकर फ्रॉम विच डायरेक्शन टू विच डायरेक्शन एन टर्मिनस टू तो सी टर्मिनस ओके इन जनरल किसी भी पेप्टाइड को देखेंगे हम आगे भी डिस्कस करेंगे पेप्टाइड रहे या प्रोटीन्स रहे दे आर पोलर इन नेचर पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स आर पोलर इन नेचर पोलर मीन्स उनके भी दो एंड्स होंगे ना मतलब क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे कि हर एक अमेनिड में जब भी इनवॉल्व होता है वाले जो अमेनासिड होते हैं जैसे यहाँ पर दो ही अमेनिड दोनों आखिरी वाले तीन अमेन एसिड रहते हैं तो मिडल वाला आखिरी वाला नहीं रहता यहाँ पर दो ही अमेनसिड है

जिसका अमिनो एंड फ्री होता है और ऐसा अमेर एसिड जिसका कार्बोक्सिल एंड फ्री होता है उसे कहा जाता है सी टर्मिनस एसिड जो सी टर्मिनस की ओर हो सी टर्मिनस एसिड में जिसका कार्बोक्सिल एंड फ्री है समझ तो में आ रहा है क्या है ठीक है सो दिस इज अबाउट द पेप्टाइड ओके पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है इसके बारे में हमने डिस्कस किया नाउ मूविंग टू वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अगेन अ पेप्टाइड बॉन्ड फीचर्स ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड पेप्टाइड के फीचर्स समझते क्या है क्योंकि इन फीचर्स के बेसिस पर ही आगे प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर डिसाइड होंगे ओके तो पेप्टाइड हम एक्चुअल सेंस में कैसा होता है प्रोटीन में इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे यहाँ पर ये कोई आर अल्फा कार्बन है इसके साथ आर साइड चेन है इसके साथ कार्बोक्सिल एंड है ये आमीनो एंड दिस इज वन एमेन एसिड प्रकार से भी ड्रॉ कर सकते दिस इज द दमिनो एंड एंड कार्बोक्ट ऑफ वन अमीनो एसिड सेकेंड अमीनो एसिड ड्रॉ करेंगे नेक्स्ट अमीनो एसिड सेकेंड अमेन अमन नंबर टू और एक अमन सिर हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे थर्ड अमन एसिट क्योंकि इस प्रकार से है okay, so how many amino acids we have drawn here three amino acids abhi tak inme peptide bond nahi hai peptide bond is not there okay ab peptide bond banna hai to kaun si reaction honi padegi condensation carboxyl group ka oh aur amino group ka hydrogen water के form में लॉस हुआ और यहाँ पे बना bond इसको हम कह रहे peptide bond

और इसका सी टर्मिनस फ्री नहीं है इस अमिन एसिड का सी टर्मिनस नहीं है इसका अमिन एसिड का एन टर्मिनस फ्री नहीं है नाउ अगेन फ्रॉम दिस साइड दिस ओएच एंड दिस एच इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर तो वापस यहां पर भी क्या बॉन्ड बनेगा फिफ्टेड बॉन्ड बनेगा तो देर इज अ लॉस ऑफ वाटर लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ पिप्टाइड बॉन्ड अब तक कितने पिप्टाइड बॉन्ड बने

आखिरी वाले डोमाइन एसिड देखें इस साइड का अमीनो एसिड इसका कौन सा एंड फ्री है एन टर्मिनस दैट्स व्हाई दिस इज एन टर्मिनस अमीनो एसिड इसका कौन सा एंड फ्री है कार्बोक्सिलेंट दैट्स व्हाई इट इज ए सी टर्मिनस अमीनो जो हमने अभी पोलैरिटी के बारे में डिस्कस किया था ओके नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड इज पार्शियल डबल बॉन्ड

कार्बन और नाइट्रोजन में जो सिंगल बॉन्ड होता है उसे मेजर करें उसकी लेंथ मेजर करें तो ये आती है अराउंड थर्टी टू और कार्बन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड जब बनता है उसकी हम लेंथ मेजर करेंगे तो ये आ रही है अराउंड ट्वेंटी फाइव ठीक है यहाँ पर जो कार्बन है यहाँ पर जो नाइट्रोजन है इनमें जो बॉन्ड प्रेजेंट है इसे हम बॉन्ड कह रहे हैं इसकी बॉन्ड लेंथ ये आ जाती तो हम क्या कहते हैं तो हम क्या कहते हैं इट इज अ डबल बॉन्ड ना ये आ रही है ना ये आ रही है इसका मतलब इंटरमीडिएट है इसका मतलब इसके पास किस प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक है पार्शियल डबल बॉन्ड लाइक कैरेक्टरिस्टिक है हम आगे डिस्कस करेंगे 60% इसमें डबल बॉन्ड लाइक कैरेक्टर होता है 60% टाइम्स डबल बॉन्ड फॉर्म में होता है और 40% टाइम्स ये सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर शो करता है इसका मतलब जो भी ऑक्टेट बॉन्ड होता है इट इज हैविंग सच काइंड ऑफ कैरेक्टर डबल बॉन्ड हैविंग कैरेक्टर और हम आगे डिस्कस करेंगे जो भी डबल बॉन्ड होते हैं उनके अराउंड रोटेशन नहीं पॉसिबल होता है डबल बॉन्ड्स के अराउंड क्या नहीं पॉसिबल रोटेशन पॉसिबल नहीं होता ओनली सिंगल बॉन्ड्स कैन रोटेट ओनली सिंगल बॉन्ड्स कैन रोटेट क्लियर तो फिप्टेड बॉन्ड इज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर फिफ्टेड बॉन्ड इज प्लेनर पेप्टाइड बॉन्ड इज प्लेनर ठीक है प्लेनर क्यों कहा जा रहा है क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड के आसपास के टोटल छह आइटम्स जो होते हैं वह एक प्लेन में पाए जाते हैं जैसे ये कार्बन अल्फा, ये अल्फा कार्बन ये ऑक्सीजन दूसरा है मेनली ये कार्बन ये हाइड्रोजन और ये कार्बन पेप्टाइड बॉन्ड में एक्चुअल किन का काम है इस कार्बन का है क्योंकि इसने कार्बोक्सिल ग्रुप को होल्ड कर कर रखा है इस कार्बन का क्योंकि इसने अमीनो ग्रुप कंट्रीब्यूट किया है तो ये इसकी वजह से है ये इसकी वजह से है और इनके साथ खुद के साथ एक एक आइटम इन्वॉल्व है टोटल छह आइटम्स है यहाँ पर कौन कौन से छह आइटम्स है देर आर सिक्स आइटम्स

प्लेन्स के फॉर्म में होती है दिस इज अ बैकबोन बैकबोन का मतलब आर साइड चेन छोड़ दे बाकी सभी चीजें ओके? Okay? इस प्रकार से और दिस इज अ दिस इज द ऑक्सीजन ये भी एक प्लेन बने इस प्रकार से जो पेप्टाइड्स होते हैं या प्रोटीन्स होते हैं उनके बैकबोन में क्या होते हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में प्लेन्स होते हैं दिस इज वन प्लेन दिस इज अनदर प्लेन प्रोटीन का बैकबोन इस प्रकार का होता है प्लेनर फॉर्म में होता है दिस दिस इज 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 बिकॉज पेप्टाइड बॉन्ड प्लेनर इन नेचर द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक थर्ड कैरेक्टरिस्टिक पेप्टाइड बॉन्ड इज पोलर इन नेचर क्यों पोलर है क्योंकि यहां पर दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स इन्वॉल्व है एक ऑक्सीजन है एक नाइट्रोजन है

अल्फा के बाद उसका कार्बोक्सिलिक कार्बन ना ये उसे हम प्राइम से डेसिग्नेट करते हैं एक ये हुआ एक भी है जो प्राइम और इस N, N को हम अल्फा लिख सकते हैं और एक कार्बन नंबर टू का सी अल्फा तो दो सी अल्फा को अटैच करने के लिए कितने बॉन्ड है तीन बॉन्ड है सो इन सबसिक्वेंट सी आल्फाजी थ्री बॉन्ड्स तीन कोवलेंट बॉन्ड से अटैच होते हैं उसमें एक बॉन्ड होता है c अल्फा c प्राइम वाला c प्राइम एंड अल्फा वाला अल्फा c अल्फा वाला इसमें से एक तो बॉन्ड कौन सा ये है? ये तो डबल बॉन्ड है ना अब इन तीनों में से दो बॉंड्स जो होते हैं सिंगल बॉंड्स हैं दो तो ही बॉन्ड सिंगल है प्योर सिंगल बॉन्ड जो कि फ्रीली रोटेट हो सकते हैं रोटेशन अराउंड देम इज पॉसिबल फ्री रोटेशन इज अवेलेबल इनके अराउंड रोटेशन रिली हो सकता है सी अल्फा और सी प्राइम के बीच में जो रोटेशन होता है इसे साई एंगल कहा जाता है और साई रोटेशन एन अल्फा सी अल्फा के बीच में जो रोटेशन होगा उसे फाइव रोटेशन कहा जाएगा समझ में आ रहा है चीजें क्या है ये साई रोटेशन आकर द रोटेशन अराउंड सी अल्फा सी प्राइम बॉन्ड एंड फाइव इज एन अल्फा सी अल्फा कभी कभार डबल बॉन्ड के अराउंड जब ये सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में आएगा फोर्टी परसेंट टाइम्स तब पेप्टाइड बॉन्ड के बीच में भी और पेप्टाइड बॉन्ड का भी रोटेशन हो सकता है लेकिन बहुत रेयरली जब कभी इसका रोटेशन होगा उसको उमेगा रोटेशन कहा जाएगा ओवरऑल किसी भी प्रोटीन के बैकबोन में फ्रीली रोटेट करने वाले बॉन्ड्स कौन से है या कौन सा रोटेशन पॉसिबल होता है ज्यादातर रोटेशन एंड रोटेशन नेक्स्ट क्वेश्चन आना चाहिए अब कि इनका रोटेशन किस पर डिपेंड होता है कि कितना रोटेट करेगा कितना रोटेट करेगा यह डिपेंड होता है इस अल्फा कार्बन के साथ जो आर साइड चेन जुड़ी होती है उसके बल्कीनेस पर कल भी हम डिस्कस कर रहे थे स्मॉलर द साइड चेन मोर पॉसिबल नंबर ऑफ रोटेशन देयर लार्जर द साइड चेन और रिजिड द साइड चेन लेस इज द रोटेशन अवेलेबल ओके तो फाय रोटेशन और साय रोटेशन कितना होगा यह डिपेंड होता है आर साइड चेन पर ठीक है तो अमाउंट ऑफ फाई अमाउंट ऑफ साई डिपेंड्स ऑन आर साइड चेन आर साइड चेन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉसिबल रोटेशंस अब आर साइड चेन का क्या आर साइड चेन की साइज या बल्किनेस जितनी स्मॉल आर साइड चेन रहेगी उतने तो पॉसिबल रोटेशन में जैसे ग्लाइसिन रहेगा तो फाइसा ज्यादा मिलेगा प्रोलिन आएगा तो फाइसा बहुत ही कम मिलेगा जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया क्लियर है किसी भी प्रोटीन का किस प्रकार का सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगा डिपेंड होता है बैकबोन में और साई के रोटेशन तो इन बैकबोन जैसे प्रोटीन अल्फा हेलिक्स बनाएगा प्रोटीन बीटा सीट बनाएगा प्रोटीन थ्री टेन हेलिक्स बनाएगा प्रोटीन पाई हेलिक्स बनाएगा किस प्रकार का हेलिक्स बनाएगा या बीटा सीट में एंटी पैरेलल बीटा सीट बनाएगा या

उनको अलग अलग क्वाड्रेंट्स में अमाउंट ऑफ रोटेशन के तौर पर ड्रॉ किया दैट प्लॉट इज कॉल्ड एज रामचंद्रन प्लॉट जस्ट हम रामचंद्रन प्लॉट पढ़ने के लिए बेसिक यहां पर बना रहे हैं यह समझ में आना चाहिए फाई क्या है साई क्या है ठीक है नाउ इज वेरी स्टेबल बॉन्ड इतना स्टेबल है कि हम इसे नेचुरली ये खुद ब्रेक हो सकता है और नेचुरली इसे ब्रेक करने के लिए अराउंड लगेंगे या से लेकर थाउजेंड इयर्स तक का टाइम लग सकता है तो पड़े पड़े कोई पेप्टाइड बॉन्ड अपने आप ब्रेक हो सकता है लेकिन उसके लिए टाइम बहुत ज्यादा लगेगा और नेचर में टाइम कम करने के लिए कुछ चीजें हैं एक्सिलेट करने के लिए एंजाइम्स है तो एंजाइम्स के प्रेजेंस में ये चीज मिली सेकेंड्स में हो सकती है ओके तो पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक डाउन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बट इट विल टेक वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड टू आकर बिकॉज द डेल्टा जी इज हाईली निगेटिव हम आगे डिस्कस करेंगे जिनका डेल्टा जी निगेटिव है वही चीजें नेचर में अपने आप होंगी जिनका डेल्टा जी पॉजिटिव है वो तो चीज होने ही वाली नहीं है आज हो या कल हो तो होगी नहीं कौन होगा आज या कल डेल्टा जी निगेटिव है लेकिन कब होगा जल्दी होगा या टाइम पीरियड के बाद होगा डिपेंड होता है डेल्टा जी कितना ज्यादा निगेटिव है मोर इज जी, मोर इज द टाइम पीरियड रिक्वायर्ड टू आकर एनर्जी क्योंकि उसकी डिमांड ज्यादा होती है एक्टिवेशन एनर्जी की जो हम आगे डिस्कस करेंगे सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड की इतने प्रॉपर्टीज याद रखना है

कि मुझे आप बता सकते हैं आप ए टू ए थ्री और ए फोर का अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप या अल्फा अमीनो ग्रुप फ्री थोड़ी है तो उसका डिप्रोटनेशन प्रोटोनेशन होने का यहाँ पर कोई चांस ही नहीं है ओके okay, सो so, इन पर जो भी चार्ज आएगा आप उसके अल्फा कार्बोक्सिल या अल्फा अमीनो ग्रुप की वजह से नहीं आएगा किसके कारण इन पर चार्ज आ सकता है आप जो भी कैरेक्टरिस्टिक होंगी इनकी किसके कारण होंगी आर साइड से इनके कारण होंगे क्योंकि उनके अल्फा अमीनो अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप तो फ्री होते नहीं है हाँ ए वन के पास अल्फा अमीनो ग्रुप एंड अल्फा अमीनो ग्रुप जो है फ्री है ए फाइव के पास कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री है इनके ऊपर तो चार्ज कम ज्यादा इनके कारण हो सकता है जस्ट अमीनो एसिड छोड़कर इंटरमीडिएट पर चार्ज आएगा या उसकी क्या भी कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक होगी वो सिर्फ और सिर्फ आर साइड से होगी टर्मिनस पर चार्ज चेंज हो सकता है बिकॉज ऑफ अमीनो एंड और कार्बोक्सिल एंड इस एंड को हमने कहा जिसका अमीनो ग्रुप फ्री होता है दिस इज अ एन टर्मिनस इस एंड को हमने कहा सी टर्मिनस तो प्रोटीन में दो एंड्स होते हैं एन टर्मिनस एंड सी टर्मिनस एंड प्रोटीन सिंथेसिस जनरली आकर इन एन टू सी टर्मिनस और जब भी हम अमीनास या प्रोटीन का सीक्वेंस लिखते हैं किसी भी फॉर्म में लिखो सिंगल लेटर कोड के फॉर्म में लिखो कोड के फॉर्म में लिखो या पूरा नाम लिखो जब भी कोई सीक्वेंस लिखा जाता है लेफ्ट टू राइट हम लिखते हैं लेफ्ट लेफ्ट टू टू राइट राइट ओके ट्रेडिशन ही वैसा है है right लिखने का कोई ऐसा कि राइट टू लेफ्ट लिख रहा है ट्रेडिशन ही वैसा है ठीक है तो लेफ्ट टू राइट लिखते समय लेफ्ट साइड में जो भी एंड लिखा जाता है एंड टर्मिनस और राइट right साइड में जो एंड लिखा जाता है सीट एन ये याद रखना हमेशा टर्मिनस कहाँ लिखना है टर्मिनस लिखना है? ये पूछने की जरूरत नहीं है लेफ्ट साइड में हमेशा एन टर्मिनस लिखना है सीक्वेंस लिखते समय, और टर्मिनस राइट साइड में लिखना है पेप्टाइड्स को कैसे किया जाता है जनरली अब यहां पर एक पेप्टाइड दिया गया है एलानिन कंटेनिंग ग्लाइसिन कंटेनिंग कितने अब इस पेप्टाइड का नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे ओनली एलानिन रहता तो हम इसका नाम इस प्रकार से लिखते ना पूरा नाम एलान का पूरा नाम क्या एलानिन एल एन आई एन ओके टायरोसिन। इस प्रकार से जब भी ये पेप्टाइड के फॉर्म में इन्वॉल्व होता है तो इसका ई निकाला -E जाता है और उसकी जगह ए एल ए एन आई एन ई -E निकालकर उसकी जगह क्या लिखा जाता है वाई एल एलिन इज एसिड एलानाइल इज दिप्टाइट ठीक है मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब पार्ट ऑफ पिप्टाइट जैसे यहाँ पर यह alanine को, हम थ्री लेटर को कोड में एल ए लिख रहे हैं लेकिन इसका पूरा नाम लिखना चाहिए इस पिप्टाइड का तो कैसे लिखेंगे alanyle, tyrosyle, glycine. इसका टर्मिनस होने के कारण आखिरी वाला जो होता है उसका सी आई एन ई लिखा जाता है ठीक so है सो जनरली जो रेसिडि होते हैं उनमें आयनी निकालकर वायल लिखा जाता है ग्लूटामाइल में कह रहा हूँ इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं इट इज नॉट फ्री ग्लूटाम कह कहा जा रहा है इसका मतलब यह हम बात कर रहे हैं पेप्टाइड की यह ना सिर्फ फ्री नहीं है हाँ फ्री रहता तो हम क्या कहते ग्लूटामेट कह लेते या ग्लूटामिन कह लेते या ग्लूटामिक एसिड कह लेते ओके तो दिस इज नॉट फ्री वाई एल सफिक्स लगाकर हम पेप्टाइड का नाम देते हैं वैसे तो पेप्टाइड लिखते समय या तो थ्री लेटर कोड यूज किया जाता है या सिंगल लेटर कोड यूज किया जाता है जैसे इसे लिखने के लिए बस इतना काफी है दिस इज सफिशियंट पूरा नाम थोड़ी कोई बताएगा एग्जाम में तो नहीं बताएगा लेकिन फिर भी बात आए नाम देने की तो आई एन ए निकाल कर वाई एल लिखा था ठीक है पूछा जाए दो मार्क के लिए किस प्रकार से इस पेप्टाइड का नाम पूरा लिखा जा सकता है ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स पेप्टाइड्स तीन प्रकार के होते जनरली ऐसे पेप्टाइड जिनमें दो से लेकर ट्वेंटी होंगे उसे ऑलिगो कहा जाएगा पेप्टाइड जिसमें बीस से ज्यादा लेकिन पचास से कम एसिड्स होंगे तो इस प्रकार के पेप्टाइड को पॉलीपेप्टाइड कहा जाएगा और ऐसा पेप्टाइड जिसमें मोर देन फिफ्टी अमीनो एसिड है या जिसका वेट टेन किलो डाल्टन से ज्यादा है टेन किलो डाल्टन से वेट जिसका ज्यादा है तो उसे कहा जाता है प्रोटीन वैसे तो पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन अल्टरनेटिवली यूज किए जाते हैं टर्म्स बट रियल सेंस में यह नहीं है पॉलीपेप्टाइड इज अ पेप्टाइड हैविंग

हम आगे डिस्कस करेंगे एलएच इज हैविंग टेन अमीनो एसिड रेसिड्यू ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक टेन अमीनो एसिड रेसिड्यू का क्या है पेप्टाइड है तो इसे क्या कहा जाएगा इट इज कॉल्ड एज़ पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन नहीं तो इसे परफेक्टली क्या कहना चाहिए ओलिगोपेप्टाइड दिस इज अ इन नेचर कोई प्रोटीन है 51 अमीनो एसिड का है तो हम इसे क्या कहेंगे प्रोटीन सॉरी पेप्टाइड है जिसे हम फिफ्टी एसिड कंटीन है तो इसे नाम क्या दिया जाएगा पॉलीपेप्टाइड नहीं तो इसे क्या कहा जाता है प्रोटीन बट लिखते समय बायोकेमिस्ट्री के बुक्स में भी इवन प्रोटीन को आप पॉलीपेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड को प्रोटीन से अल्टरनेटिवली लिखा जाता है जब बात आए फाइन डिस्क्रिमिनेशन की तब इस प्रकार की चीजें आपको सोचनी है ओके नेचर में कुछ ऐसे भी प्रोटीन्स होते हैं जिसमें एक पॉलीपेप्टाइड हो या दूसरा पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन्स में हाउ मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड्स इसे भी प्रोटीन कहा जा रहा है ओके प्रोटीन हैविंग मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड दिस इज अ ऑलिगो प्रोटीन या मल्टी प्रोटीन इसमें दो पॉलीपेप्टाइड है ओके okay? जब कभी पॉलीपेप्टाइड एक दूसरे के साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं तो इन्हें कहा जाता है चेन्स

इंटरैक्ट करते ठीक है तो दिस इज अबाउट द प्रोटीन्स. सबसे स्मॉल प्रोटीन है इंसुलिन सबसे लार्जेस्ट प्रोटीन है जिसका नाम है टाइटीन जो कि मसल्स में होता है सार्कोमियरिक स्ट्रक्चर्स में होता है मसल्स के स्ट्रक्चर में होता है टाइटीन जो आगे हम मसल्स कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन के टॉपिक में टाइटीन को डिस्कस करेंगे इट इज द लार्जेस्ट प्रोटीन टाइटीन इज द लार्जेस्ट प्रोटीन बट टाइटीन का जीन लार्जेस्ट नहीं है हम आगे डिस्कस करेंगे एक जीन है जिसका नाम है डिस्ट्रोफिन जीन जिससे प्रोटीन बनाए जा सकते बाय ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन सबसे लार्जेस्ट जीन होता है डिस्ट्राफिन ये जीन इतना लंबा है कि इसे ट्रांसक्राइब करने के लिए अराउंड 24 फोर आवर्स लगते हैं 24 फोर आवर्स ओके तो आगे हम डिस्कस करेंगे दिस इज वेरी अ लार्ज और लॉन्गेस्ट जीन इन द नेचर जीन जितना लंबा उतना ट्रांसक्रिप्शन के लिए ज्यादा टाइम लगेगा ट्रांसक्रिप्शन के लिए ज्यादा टाइम लगेगा तो एम कम बनेंगे पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कमे मारने रहेंगे तो प्रोटीन भी कम बनेगा किन प्रोटीन्स के जीन लंबे हो सकते हैं जिन प्रोटीन्स की डिमांड कम होती है इन जनरल लॉजिक है नेचर में जिनकी डिमांड बहुत ज्यादा है उनके जीन्स बहुत छोटे होने चाहिए hmm. स्मॉल होने चाहिए ओके okay, अदरवाइज हमें प्रोटीन आज चाहिए और प्रोटीन बन रहा है तीन दिन के बाद तो उसका क्या बेनिफिट है ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा सो दैट्स वाई हम आगे डिस्कस करेंगे साइज ऑफ जीन और लेंथ ऑफ जीन डिपेंड्स ऑन नीड रिप्रोडक्शन। किसी भी प्रोटीन या पेप्टाइड का मॉलिकुलर वेट हम कैलकुलेट कर सकते हैं इफ अ मॉलिकुलर वेट ऑफ आमेन एसिड रेसिडीव इज गिवन हाउ टू कैलकुलेट इट मान लीजिए मेरे पास कोई एक डेका पेप्टाइड है डेका पेप्टाइड मीन्स दस आम एसिड रेसिडीव का कोई पेप्टाइड है One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, और पेप्टाइड में पेप्टाइड बॉन्ड्स कितने रहेंगे ओके तो पेप्टाइड ये तो डेका पेप्टाइड डाई पेप्टाइड हो सकता है ट्राई हो सकता है टेट्रा हो सकता है पेप्टाइड को नाम किस प्रकार और किस बेसिस पर दिया जा रहा है नंबर के बेसिस पर डाई पेप्टाइड का मतलब ऐसे नहीं कि दो पेप्टाइड बॉन्ड है

टेन इंटू नंबर ऑफ अमीनो एसिड इंटू मॉलिकुलर वेट फॉर्मूला क्या था नंबर ऑफ और मोनोमर्स नंबर ऑफ अमीनो एसिड इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ अमीनो एसिड यही है ना मॉलिकुलर वेट है एटी नाइन माइनस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर

सेवेन सेवन ट्वेंटी एट डाल्टन इज द मॉलिकुलर वेट ऑफ डेका पेप्टाइड दट इज सेवन ट्वेंटी एट डाल्टन कोई एलेन इन का साइक्लोट्राइपेप्ट होगा एलेन इन का ही है साइक्लो ट्राई पेप्टाइड होगा तो

इस प्रकार का वेट आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्या आ रहा है वेट 89 नाइन इंटू थ्री अराउंड ये आ रहा है टू सिक्सटी सेवन और ये फिफ्टी फोर दैट इज इक्वल टू कितना आ रहा है टू वन थ्री डाल्टन ठीक है दिस इज ऑफ तो तब की बात है ना जबिन का मोलिकुलर दिया जा रहा है लेकिन कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है आपके पास कुछ डेका पेप्टाइड है उसका मॉलिकुलर वेट क्या होगा आप क्या करेंगे वट इज द मोलिकुलर वेट ऑफ प्रोटीन है 400 हंड्रेड अमिनासिड रेसिड्यू चार सौ अमेन एसिड रेसिड्यू के प्रोटीन का मोलिकुलर वेट क्या है तो उन्होंने कुछ कंपोजिशन दिया नहीं और देने लायक भी नहीं है चार सौ अलग अलग प्रकार के किसका वेट देंगे हेटेरोजेनस प्रोटीन है तो इस प्रकार के एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करें व्हेन मोलिकुलर वेट इज नॉट गिवन देन व्हाट काइंड ऑफ लॉजिक वी हैव टू अप्लाई हम इन जनरल ट्वेंटी मोलिकुलर वेट का एवरेज ले लें सभी के सभी बीस अमीनो एसिड

बट प्रॉब्लम है कि प्रोटीन में ज्यादातर अमीनो एसिड स्मॉल साइड चेन वाले होते हैं स्मॉल साइज के होते हैं तो इस वजह से इसे एवरेज को हम इन जनरल कंसिडर करते हैं वन ट्वेंटी एट डालटन लेते समय हम वन थर्टी एट नहीं लेंगे क्यों क्योंकि स्मॉल मोलिकुलर वेट वाले अमीनो एसिड ज्यादा होते हैं प्रोटीन में दैट्स व्हाई वी आर कंसीडरिंग एवरेज मॉलिकुलर वेट ऑफ अमीनो एसिड इज 128 डाल्टन जब ये फ्री फॉर्म में है व्हेन अमीनो एसिड इज फ्री अब जब ये प्रोटीन में इन्वॉल्व होगा तो क्या होगा जितने पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे और इसका एवरेज मोलिकुलर वेट क्या होगा प्रोटीन में अमीनो एसिड इन्वॉल्व होगा तो 18 से कम हो जाएगा ना एवरेज मोलिकुलर वेट तो क्या होगा डाल्टन दिस इज द एवरेज मोलिकुलर वेट व्हेन द अमीनो एसिड इज इन प्रोटीन जब कोई अमीनो एसिड प्रोटीन में इन्वॉल्व होता है तब तो उसका एवरेज मोलिकुलर वेट वन टेन डाल्टन कंसिडर किया जाता है ठीक है ये कैसे आया? तो 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 एवरेज वेट ऑफ़ फ्री एसिड एसिड 128, उससे माइनस 18 करें, रेसिड्यू रेसिड्यू बनाने के लिए वाटर निकाल दे, तो 110 आएगा। so, आप मुझे आप बता सकते हैं, 400 का है, तो उसका क्या होगा? So, आपको करना क्या है वेट प्रोटीन दैट इज इक्वल टू फोर्टी डाल्टन या टी फोर किलो डाल्टन क्लियर ठीक है कैलकुलेट द मोलिकुलर वेट ऑफ 110 अमीनो एसिड रेसिड्यू कंटेनिंग प्रोटीन 110 अमीनो एसिड का प्रोटीन है उसका मोलिकुलर वेट क्या होगा एक सौ दस अमीनो एसिड का प्रोटीन है तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? इस कैलकुलेट करेंगे ये अमीनो एसिड की नंबर दिए रेसिड्यूज की नंबर रेसिड्यू का मॉलिक्यूलर एक रेसिड्यू का मॉलिक्यूलर वेट एवरेज क्या होता है वन होता है वन वन टेन इंटू वन वन टेन वन टू वन किलो डाल्टन इस प्रकार से कैलकुलेट किया जा सकता है इस द वे ओके okay. ये कब की बात है वन वन टेन वाला दिमाग कब लगाएंगे नहीं तो इधर एग्जामिनर पूछ रहा है यार यू आर हैविंग अ प्रोटीन ऑफ आर्जिनिन रेसिड्यू हर एक आर्जिनिन का वेट होता है एक सौ चालीस डाल ओके okay. और आप अपना दिमाग लगा रहे हो वन हंड्रेड टेन इंटू हंड्रेड बहुत सिंपल क्वेश्चन आया ऐसा नहीं है एक कब की बात है जब एग्जामिनर ने कुछ भी नहीं दिया है इंफॉर्मेशन नहीं दी रही है दी गई है तो आप अपना दिमाग लगाए ठीक है हम पूछ रहे हैं 100 अमीनो एसिड रेसिड्यूस का प्रोटीन है हर एक अमीनो एसिड आर्जिनिन है जिसका वेट 140 डाल्टन होता है तो अब मॉलिक्यूलर वेट बताएं हर एक आर्जिनिन का वेट दिया गया है आर्जिनिन जो एक फ्री अमीनो एसिड अब क्या करेंगे पहले वाला दिमाग लगाएंगे 140 माइनस 100 अमीनो एसिड है ना तो सॉरी 100 माइनस एटीन इंटू नाइन्टी नाइन इस प्रकार का दिमाग लगाए ठीक है जो भी आएगा आंसर आएगा तो दिस इज द वे कब की बात है 1110, जब कोई वैल्यू वा, दी नहीं जा रही है तो। हमें मॉलिकुलर वेट तो पता है लेकिन नंबर ऑफ रेसिडि नहीं पता है तो नंबर ऑफ रेसिड्यू भी कैलकुलेट किए जा सकते हैं किसी प्रोटीन का मोलिकुलर वेट वन सॉरी फोर्टी फोर किलो डाल्टन है तो उसमें कितने रेसिडि होंगे

फोर ये फोर जीरो के लिए जीरो और जीरो इसका मतलब इस प्रोटीन में नंबर ऑफ रेसिड्यूस कितने हैं नंबर ऑफ रेसिड्यूस कितने हैं कितने रेसिड्यूस है चार सौ रेसिडि प्रकार से नंबर ऑफ रेसिड्यूस कैलकुलेट किए जा सकते हैं ओके किसी प्रोटीन का मॉलिकुलर वेट दिया है 58 किलो डाल्टन तो उसमें कितने रेसिड्यूज है एप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ रेसिड्यू एग्जैक्ट कोई पूछेगा नहीं एप्रोक्सीमेट ही पूछेगा कितने एप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ रेसिड्यूज होंगे इफ द मॉलिक्यूलर वेट इज 58 किलो डाल्टन सेम लॉजिक मॉलिक्यूलर वेट गिवन डाल्टन डाल्टन में 58000 होगा ये डिवाइडेड बाय 110 कितना आ रहा है कितना आ रहा है अप्रोक्सीमेटली फाइव ट्वेंटी सेवन अप्रोक्सीमेटली फाइव ट्वेंटी सेवन इस प्रकार से आप मॉलिकुलर वेट कैलकुलेट कर सकते बराबर है ये फाइव ट्वेंटी सेवन आ रहा है

शुगर फ्री स्वीटनर के तौर पर यूज किया जाता है जो कि बना होता है अस्पार्टेम इज मेडअप ऑफ टू आमिन एसिड रेसिड्यू क्या थे आमिन एसिड कंपोजिशन क्या है इसका एग्जैक्ट कंपोजिशन क्या है एग्जैक्ट कंपोजिशन क्योंकि इस पे डायरेक्ट सेट में क्वेश्चन पूछ लिया गया था एस्पार्टेम इज मेड अप ऑफ एल फिनाइल एलेनाइल मिथाइल ईस्टर ओनली आस्पार्टिम एसिड से बना है ये काफी नहीं था वहां पर वहां पर पूरा नाम पता चाहिए था डी भी था ऑप्शन में डी आस्पार्टिल तो ये एल एल फिनाइल एलान मिथाइल ईस्टर है इस जो कि एक डाई पेप्टाइड है फ्री स्वीटनर के तौर पर यूज किया जाता है बाय द नेम न्यूट्रासविट न्यूट्रासविट ट्राई पेप्टाइड के अलावा ट्राई भी हो सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्राई जैसे थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, टी आर एच नाम है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे बनता है हाइपोथैलेमस में हाइपोथैलेमस में बनकर रिलीज होता है एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पर और एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज करवाता है एक हार्मोन को जिसका नाम है थायरोट्रोपिन थायरोट्रोपिन हम आगे डिस्कस करेंगे आगे जाता है और थायराइड ग्लैंड पर एक्ट करता है और थायराइड ग्लैंड थायरोट्रोपिन के प्रेजेंस में ये एक टीएसएच है थायरोड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ओके रिलीजिंग हार्मोन्स आर रिलीज बाय हाइपोथैलेमस स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स आर रिलीज बाय पिट्यूटरी एक्चुअल थायराइड ग्लैंड को ये आकर स्टिमुलेट कर रहा है टू रिलीज वन हार्मोन कॉल्ड एज थायरॉक्सिन जो कि क्या है इफेक्टर हार्मोन है ठीक है इट इज अ इफेक्टर हार्मोन क्लियर है तो एक कोई हेडमास्टर है हेडमास्टर ने मास्टर को बताया और एक्चुअल इसने प्यून को बताया चलो क्लासरूम साफ सफाई करनी है इफेक्टार ग्लैंड है ये एक्चुअल काम करने वाली ग्लैंड ये है उसकी मास्टर ग्लैंड कौन है पिट्यूटरी जिसके अंडर ये सब लोग काम करते हैं इसको कंट्रोल करने वाला कौन है हेडमास्टर हाइपोथैलेमस सो तो दिस इज द सीरीज कि एक पर डिपेंडेंट नहीं होता है बॉडी में जो भी कंट्रोल होता है ऑन लेवल्स ओके इसी पर कंट्रोल रहता तो इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बनाया जा रहा है इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बनाया जा रहा है अकेली तो थायराइड ग्लैंड का कुछ डिसफंक्शन हो जाए तो ऑब्वियसली मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस हो जाएंगे ऐसा एक पर डिपेंड नहीं होना चाहिए जब भी कोई डिसीजन लेने की बारी आनी चाहिए कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन से डिसीजन ली जाए तो अच्छा रहेगा नहीं तो मुझे लगा मैंने कर दिया अच्छा हो सकता है बुरा हो सकता है लेकिन हम जब एक दूसरे से इंटरेक्शन कर, कर चार लोगों को पूछ कर कोई हम जो डिसीजन लेते हैं तो सही होने के चांसेस ज्यादा होते हैं तो जैसे यूनिशन हुआ था इसी सोच कर कर, को रखकर चीज़ों को कॉम्प्लेक्स किया गया रेगुलेटरी चीजों को कॉम्प्लेक्स जैसे एक मेटाबॉलिक पाथवे हम आगे डिस्कस करेंगे उसको भी रेगुलेट करते समय ज्यादा कॉम्प्लेक्स वे से रेगुलेट किया जाता है ताकि सही प्रकार से रेगुलेशन हो जाए दिस इज आर एच एंड टी एस एच था हारमोन आगे ना हार्मोन बट हमें यहां पर टी आर एच का नाम याद रखना है जो कि है, की है एग्जाम्पल के तौर पर कुछ टेट्रा पेप्टाइड भी हो सकते हैं पेंटा पेप्टाइड जो इंपॉर्टेंट है इनकेफैलीन, इनकेफैलीन, जो पांच एसिड रेसिड्यू का पेप्टाइड है <coughs> आक्टा है साइक्लो ऑक्टा पेप्टाइड साइक्लो ऑक्टा पेप्टाइड है जो एक इंपॉर्टेंट पेप्टाइड है जिसका नाम हमें इंपॉर्टेंट है अल्फा आमिनिटीन अल्फा एम्यूटीन एक टॉक्जीन है जो कि नाम के मशरूम से ऑप्टेन किया जाता है अल्फा एम्यूटीन ट्रांसक्रिप्शन को रोकता है यूकैरियोट्स में मेनली इट इन्हेबिट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इन यू नॉट इन प्रोकैरियोट्स। अल्फा कैरिया मेनली इनिबिट करने का काम करता है हम आगे डिस्कस करेंगे आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड को सबसे ज्यादा इनिबिट करेगा सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी इसके लिए है उससे कम सेंसिटिविटी होती है सॉरी आरएनए पॉलीमरेज थ्री के लिए और उससे कम सेंसिटिविटी होती है आरएनए पॉलीमरेज फोर के लिए अल्फा एमटिन कैनॉट इनिबिट पॉलीमरेज वन ये आरएनए पॉलीमरेज वन को इनिबिट

Halards, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे ऐसी मशरूम है जिससे टॉक्जीनी टॉक्सिन ऑप्टेन किए जाते हैं बहुत सारे अलग अलग प्रकार से टॉक्सिन प्रकार के टॉक्सिन ऑप्टेन किए जाते हैं दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एंजल ऑफ डेथ मृत्यु दूत है क्योंकि इसे खाया जाए तो एक ही टॉक्सिन नहीं मिलेगा अलग अलग प्रकार के टॉक्सिन ओके okay, आगे हम कुछ हेलोर्डीन नाम का भी टॉक्सिन है ओके okay, जो कि एक इंपॉर्टेंट है जो एक्टिन पॉलीमराइजेशन डी पॉलीमराइजेशन से रिलेटेड काम करता है नेक्स्ट है नोना पेप्टाइड्स नाइन एसिड के पेप्टाइड्स नाइन रेसिड्यू के पेप्टाइड है ऑक्सीटोसिन जो एक हार्मोन पोस्टेरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है पोस्टेरियर पिट्यूटरी से वैसे दो ही हार्मोन रिलीज होते हैं जो हैं ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन ऐसा कहा जाता है कि इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ एक ही अमीनो एसिड का डिफरेंस है मैंने तो नहीं देखा है लेकिन ऐसा लिखा गया है ओके okay. सिक्वेंस नहीं देखा है मैंने लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ऑक्सीटोसिन वैसोप्रेसिन में एक सिंगल अमीनो एसिड का ही चेंज होता है लेकिन दोनों की एक्टिविटी ड्रास्टिकली अलग है ऑक्सीटोसिन हम आगे डिस्कस करेंगे इट इज कॉल्ड एज अ कडल हार्मोन वैसोप्रेसिन इज कॉल्ड एज एंटी डायरेटिक हार्मोन ओके ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करवाता है मसल्स में ऑक्सीटोसिन मेनली लेबर पेन जनरेट करता है ड्यूरिंग पार्चुरेशन। ऑक्सीटोसिन बॉन्ड बनाता है मदर और अपने जो ऑफ है उसमें दैट्स इट इज कॉल्ड एज ए कडल हार्मोन जो एफिनिटी क्रिएट होती है इनिशियली ओके एनिमल्स और उसके जो ऑफ होते हैं उनमें जो बॉन्ड बनता है ना हाई ऑक्सीटोसिन कॉन्सेंट्रेशन होने पर मदर और अपने चाइल्ड में ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है

डायबिटीज इंसिपिडस जो कि वैसोप्रेसिन से इसके अलावा भी कुछ और नोनापेप्टाइड से जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे डाई सॉरी डेकापेप्टाइड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी पिट्यूटरी से रिलीज होता है यानी एंटीरियर पिट्यूटरी प्रोटीन अमीनो एसिड रेसिड्यू का एक पेप्टाइड है जिसे ओलिगोपेप्टाइड हम कह सकते हैं सोमैटोस्टैटिन सोमैटोस्टैटिन ये भी एक हार्मोन है 20 अमीनो एसिड 17 अमीनो एसिड का एक पेप्टाइड है जो एक हार्मोन है गैस्ट्रिन 29 अमीनो एसिड का एक पेप्टाइड है ग्लूकागन 39 अमीनो एसिड का एक पेप्टाइड है कॉर्टिकोट्रोपिन इंसुलिन जो एक प्रोटीन है जो पेप्टाइड है एक्चुअली ये भी एक पेप्टाइड है प्रोटीन कहा जाता है 51 अमीनो एसिड रेसिड्यू का है इसमें एक स्मॉल चेन होती है जिसका ए नाम है और इसमें एक लार्ज होती है जिसका बी है बी इज अ बिग ए इज स्मॉल दो चेन है ओके आई थिंक ए इज हैविंग रेसिड्यू एंड बी एज है थर्टी इस प्रकार का कुछ कंपोजिशन होता है थर्टी की बी होती है बिग होती है और ये जो है चेन ट्वेंटी वन रेसिडिव की है दोनों को एक दूसरे के साथ इंसुलिन में तीन डाइसल्फाइड बॉन्ड से अटैच किया जाता है दो डाइसल्फाइड बॉन्ड तो इंट्रा चेन होते हैं और एक डाइसल्फाइड बॉन्ड इंटर चेन होता है आई के एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि इंसुलिन में नीचे दिए हुए कौन सी चेन होती है ए ट्वेंटी बी थर्टी रेसिड्यू ए एटी रेसिड्यू बी ट्वेंटी इस प्रकार के कुछ ऑप्शन आए होंगे जब मैंने आईसीएमआर के एग्जाम तब ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था टू थाउजेंड थर्टीन में फिलहाल ऐसे भी आते होंगे ऐसे क्वेश्चन आते होंगे अभी कुछ ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है तो दिस इज अबाउट सम इंपॉर्टेंट पेप्टाइड्स और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो हम आगे बार बार डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एक ग्लूटाथायूनिकॉर ग्लूटामिट सी स्टैंड फॉर सिस्टीन जी स्टैंड ग्लाइसिन इस प्रकार के तीन एसिड से बना हुआ यह पेप्टाइड है ECG is is not a electrocardiogram. It is the short form of glutamate, cystine and glycine. Okay? हाँ उसके हिसाब से आप याद रख सकते हो कंपोजिशन क्या होता है, है नॉर्मली हमने कहा कि पेप्टाइड बॉन्ड बनता है अल्फा कार्बोक्सिलो ग्रुप के बीच में बट यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है

एंजाइम के तौर पर काम करता है जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे आरबीसी में ऑक्सीजन हमेशा पड़ा होता है क्योंकि ऑक्सीजन को कैरी करने वाला ही कौन है हमेशा अपने जेब में एक बम रख के चलता है आरबीसी ओके दैट इज ऑक्सीजन क्योंकि कैरी करने वाला कौन है बॉडी में आरबीसी में ही ज्यादातर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बनेंगे तो इसको ऑब्वियसली आरओएस से बचना है तो कुछ ना कुछ इसके पास रखना पड़ेगा ना ओके okay. खुद पर कभी इफेक्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि हम इसे हमेशा कैरी करते हैं तो इसमें एक एंजाइम होता है जिसका नाम है ग्लूटाथायोन परॉक्सीडेज ग्लूटाथायोन परॉक्सीडेज नाम का एंजाइम है जो इस फॉर्म में होता है एस एच एस एच फॉर्म में जब कभी परऑक्साइड बनेगा जो कि एक रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज है तो इसे एक नॉर्मल स्पेसीज में कन्वर्ट करना है तो इसका रिडक्शन करना पड़ेगा लुटादायन पर हाइड्रोजन दे देता है और, और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है इस प्रकार से एस एच एच एस फॉर्म में था किस फॉर्म में था रिड्यूस फॉर्म में था और ये कुछ किस फॉर्म में आया है ऑक्सीडाइज फॉर्म में आया है अब रिएक्टेड ऑक्सीजन स्पेसिज तो न्यूट्रलाइज हुई इफेक्ट तो नहीं होगा लेकिन वापस इसे काम करना है तो इसे वापस क्या करना पड़ेगा रिड्यूस करना पड़ेगा रिडक्शन करने के लिए और एक एंजाइम यहाँ पर काम करता है जिसका भी है और एक को एंजाइम है ग्लूटाथायोन दैट इज ग्लूटाथायोन रिडक्टेज ग्लूटाथायोन रिडक्टेज नाम का एंजाइम है तो दिस इज विल डिस्कस देयर इज वन एंजाइम नोन एज ग्लूटाथायोन रिडक्टेज हाँ ये डायरेक्टली एन यूज़ करेगा और एन का हाइड्रोजन निकाल लेगा एन बनाएगा और जो हाइड्रोजन निकाल लिया जा रहा है उसे किसे दिया जाएगा लुटाथाइन पोरऑक्सीडेज को ताकि वह वापस किस फॉर्म में आए रिड्यूस फॉर्म में आए ओवरऑल जो आर होते हैं इन्हें न्यूट्रलाइज करना है तो इलेक्ट्रॉन लगेगा इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है एन से और एन ए से आ रहा है

इस प्रकार का पाथ है बैक्टीरिया में भी होता है सभी ऑर्गेनिजम्स में आरओएस से बचने के लिए इस प्रकार का पाथवे होता है दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कोएंजाइम इन मेनी एंजाइम्स चार्ज ऑन पेप्टाइड लेट्स डिस्कस अबाउट द चार्ज ऑन पेप्टाइड किसी भी पेप्टाइड पर चार्ज होता है डिसोसिएबल ग्रुप्स के कारण जैसे हमने कहा अमीनो एसिड पर चार्ज होता है डिसोसिएबल ग्रुप्स के कारण अब पेप्टाइड पर भी चार्ज किसके कारण आएगा डिसोसिएबल ग्रुप्स के कारण चार्ज ऑन पेप्टाइड इज बिकॉज ऑफ डिसोसेबल अब पेप्टाइड में कौन से डिसोसिएबल ग्रुप होते हैं जिसकी वजह से चार्ज आएगा कौन कौन होता है अल्फा अमीनो ग्रुप ऑफ एन टर्मिनस एसिड बराबर बाकी तो किसी का अल्फा अमीनो ग्रुप फ्री होगा नहीं सिर्फ इसका छोड़कर एन टर्मिनस वाले अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ सी टर्मिनस ये तो दो होंगे ही ना बट एक्चुअल नेट चार्ज इनके कारण होता ही नहीं है नेट चार्ज इनके इन, इनके कारण आएगा भी नहीं जो नेट चार्ज आने के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे आर साइड चेन डिसोसेबल ग्रुप आर साइड चेन डिसोसेबल जिन पेप्टाइड्स में डिसोसेबल ग्रुप ही नहीं है उसमें तो चार जाने के चांसेस बहुत कम रहेंगे ना ठीक है चार जाने के लिए नेट चार्ज आने के लिए पी एच सेवन पर कुछ ना कुछ क्या आना चाहिए आर साइड चेन के डिसोसिएबल ग्रुप होने चाहिए नेट चार्ज एट पी एस सेवन इज बिकॉज ऑफ हुम आर साइड क्योंकि अल्फा अमीनो ग्रुप और अल्फा कार्बोल ग्रुप तो एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे जैसे एक पेप्टाइड यहाँ पर दिया गया है देर इज अ पेपटाइड राइट द नेम ऑफ पेप्टाइड ग्लाइसीन लाइसीन एस्पार्जीन ग्लाइसिन लुटामिक एसिड प्रोलीन आर्जिन वैलीन इन एसिड्स को एक दूसरे के साथ अटैच कर एक पेप्टाइड बनाया गया है जो कि अराउंड एसिड सॉरी एट एसिड का ये पेप्टाइड इसमें सिर्फ और सिर्फ किन अमीनो एसिड्स के एंड फ्री होंगे इसका अमीनो एंड फ्री होगा ओके और इसका फ्री होगा और हमें पता है अमीनो एंड या कार्बोक्सिली एस सेवन अमीनो एंड प्रोटोनेटेड होगा और कार्बोक्सिल ट होगा दिस इज दी एच सेवन एट पी एच सेवन किसी भी पेप्टाइड या प्रोटीन का चार्ज आपको पूछा जा रहा है तो पहले तो पी एस सेवन पर उसका चार्ज क्या है ये पता करें पी एस सेवन पर क्योंकि पीएच सेवन पर हमें कुछ आमिन सिर्फ प्रोटीन के जो रेसिड्यूज है इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हमें पता है जिट्राइन फॉर्म में होते हैं ना पी एस सेवन ठीक है अब ये तो रही बात सिर्फ और सिर्फ सिर्प टर्मिनस अल्फा अमिनो ग्रुप की सी टर्मिनस कार्बोक्सिल ग्रुप की PS7 पर तो ये प्लस देगा, ये प्लस वन वन देगा, देगा, माइनस दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, नेट जीरो आएगा। If none of the amino having, side chain ऐसा होगा तो, लेकिन यहाँ पर नहीं है Lysine की तो side chain नहीं है, लेकिन लाइसिन के पास होती है ना आर साइड चेन जो डिसोसिएबल है क्या कॉन्ट्रीब्यूट करती है

प्लस थ्री चार्ज है माइनस टू है मीन्स नेट चार्ज क्या आ रहा है प्लस वन तो एट पी सेवन दिस पेप्टाइड इज हैविंग प्लस वन चार्ज कैसे किया जा रहा है पहले तो आपको डिसोसिएबल ग्रुप ढूंढने पड़ेंगे लिखना पड़ेगा पी एच सेवन तब जाकर चार्ज आप बता पाएंगे ठीक है इस पेप्टाइड को हम इलेक्ट्रोफोरेस करें तो किस इलेक्ट्रोड की ओर भागेगा क्या थोड़ एट पी ठीक है हम पीएच चेंज होने पर हमने कहा था कि आसपास का पीएच बदलेगा तो चार्ज भी बदल जाएगा क्योंकि पीएच अराउंड द मॉलिक्यूल लीड टू आइदर डीप्रोटोनेशन और प्रोटोनेशन हम पीएच कम करें कल डिस्कस किया था व्हेन द चेंज ऑफ पीएच आकर बाय वन यूनिट यूनिट चेंज इन पीएच लीड टू चेंज इन चार्ज बाय वन वन यूनिट यूनिट से पीएच चेंज होगा तो चार्ज एक यूनिट से बदलेगा कैसे बदलेगा कैसे बदलेगा चार्ज एक पीएच बढ़ने पर निगेटिव चार्ज बढ़ता है और पॉजिटिव चार्ज कम होता है और पीएच कम होने पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है निगेटिव चार्ज कम होता है ये चीजें हैं जिन

पी एच सिक्स पर अप्रोक्सिमेट चार्ज क्या आएगा पीएच सेवन पर तो चार्ज प्लस वन है ना पीएच छे पर क्या आएगा प्लस टू ठीक है क्यू प्लस टू आया क्योंकि कोई एक ग्रुप आसपास का पीएच कम होने के कारण प्रोटॉन बढ़े और प्रोटॉन बढ़ने के कारण यहां पर जाकर अटैच हुआ यह हुआ न्यूट्रलाइज ठीक है प्रोटोनेशन हो रहा है ना नेक्स्ट पीएच फाइव करे तो वापस आसपास के एच प्लस एन बढ़े और यहां पर जाकर बाइंड हुए इसको न्यूट्रलाइज किया माइनस कम किए जा रहे कितने माइनस कम किए जाते हैं जितने हैं उतने कम किए जाएंगे उससे ज्यादा तो नहीं किए जाए अब क्या चार्ज आया प्लस थ्री पीएच फोर करेंगे तो चार्ज क्या आएगा प्लस फोर नहीं थ्री क्योंकि अब प्रोटोनेशन करने लायक कुछ बचा ही नहीं है हाइएस्ट पॉजिटिव चार्ज कितना आ सकता है बस एक लॉजिक याद रखें हाइएस्ट पॉजिटिव चार्ज उतना ही आ सकता है जितने आमीनों ग्रुप्स हैं ठीक है है ना वन टू थ्री बराबर हम उल्टा जाए तो पी एच एट कर दे तो वापस सेवन पर आए पी एच आठ करे तो पी एच एक यूनिट से बढ़ा रहे तो निगेटिव चार्ज एक यूनिट से बढ़ेगा या पॉजिटिव चार्ज एक यूनिट से कम होगा तो पी एच एट पर जाएगा जीरो कैसे हुआ वापस पी सेवन का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे ऐसी चीज थी पी सेवन पर अब क्या होगा कोई डिप्रोडनेट होना स्टार्ट होगा डी तो पहले ग्रुप का होता है अल्फा ग्रुप ये डिप्रोडनेट होगा ना पी एच एट पर ये प्लस टू हो गए माइनस टू होंगे प्लस टू माइनस टू गेट कैंसल जीरो ऐसा पीएच जहां पर किसी भी मॉलिक्यूल पर चार्ज जीरो आता हो उसे क्या कहा जाएगा

टू माइनस माइनस टू प्लस वन दैट इज माइनस वन पीएच दस करे तो इसका भी डिप्रोटनेशन हुआ ये भी डिप्रोटनेट हो रहा है अब रहे बाकी दो माइनस और पीएच बड़ा पीएच 11 कर दे तो अब डिप्रोटेनेट करने लायक कुछ नहीं है तो मैक्सिमम माइनस टू चार्ज आ सकता है कितना माइनस टू चार्ज आता है मैक्सिमम माइनस टू माइनस चार्ज कितना आएगा जितने क्या होंगे कार्बोज तो प्रिंसिपल क्या है मिनिमम पॉजिटिव और मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज कितना आता है इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज क्या आ सकता है इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप किसी भी पीएच पर लेकर जाइए ये किसके लिए है पेप्टाइड के लिए ओके पीआई कैसे कैलकुलेट करें किसी भी पेप्टाइड का पीआई कैलकुलेट करने के दो मेथड्स है पीआई कैलकुलेट करने जैसे हमने कल डिस्कस किया था पिया या तो पी के एवरेज लेकर कैलकुलेट किया जा सकता है या लॉजिक बनाकर लॉजिक लगाकर हम कैलकुलेट कर सकते हैं दोनों चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे वापस वही ये ग्लाइसिन ये लाइसिन ये एस्पार्जीन ये ग्लाइसिन है ग्लूटामिक एसिड है प्रोलिन है आर्जिन है और वैलिन है ये सभी अमीनो एसिड रेसिड्यूस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है बाय Peptide, what? This is the now. और इसके आर साइड के ग्रुप भी ड्रा कर अमीनो ग्रुप है इसमें डेल्टा अमीनो ग्रुप है ठीक है।, है ये सभी आर साइड चेन वाले ग्रुप तो आपको करना क्या है किसी भी पेप्टाइड की पीक पीआई कैलकुलेट करनी है पीआई कैलकुलेशन के लिए एक तो चीज ऐसी है टेक एवरेज ऑफ ऑफ पीके ऑल ग्रुप्स जितने भी डिसोसेबल ग्रुप्स हैं उनके पीके की एवरेज ले लो और आपको पीके दिया गया है पीके ऑफ अल्फा अमीनो ग्रुप दैट इज नाइन पॉइंट सिक्स पीके ऑफ आर साइड चेन अमीनो ग्रुप ऑफ लाइसिन दट इज़ टेन पॉइंट फाइव पी ऑफ आर साइड चेन ऑफ अमीनो ग्रुप ऑफ आर्जिनीन दैट इज़ ट्वेल्व पॉइंट फाइव एंड पीके ऑफ आर साइड चेन कार्बोक्ट ग्रुप ऑफ लूटामेट दैट इज़ फोर पॉइंट थ्री तो इस हिसाब से और एक पीके देना चाहिए अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप का पीके है 2.9 तो इस प्रकार से आपको तो पीके कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा सॉरी पीआई कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा पीआई इज इक्वल टू इन सभी की एवरेज लेनी पड़ेगी 9.6 इसकी पीआई पीके वैल्यू लिखो इसकी पीके वैल्यू लिखो जो कि 10.5 है इसकी पीके वैल्यू लिखो जो कि 12.5 है इसकी पीके वैल्यू है जो 4.3 है और इसकी भी पीके वैल्यू टू पॉइंट नाइन है कितने पी हुए हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स डिवाइडेड बाई सिक्स क्योंकि छः पीके लिए तो छः से डिवाइड करना पड़ेगा एवरेज का मतलब क्या है जितने एन नंबर ऑफ एक्टर उनके एडिशन करो एन से डिवाइड करो क्या आ रहा है पी आई पी आई क्या आ रहा है पी आई अप्रोक्सीमेटली सेवन पॉइंट नाइन कुछ इस प्रकार से आएगा क्या आ रहा है पता नहीं है लेकिन एवरेज इतना आ सकता है कितने फाइव वन टू थ्री फोर फाइव पाँच ही है. इतना आ रहा है पी आई इट इज द पी एच एट विच चार्ज बिकम जीरो एट क्लियर आ रहा है आंसर बाकी तो काम है एडिशन करने का तो डिवाइड करना है पाँच से कितना आया एडिशन एडिशन कितनी आ रही है थर्टी नाइन पॉइंट एट डिवाइडेड बाय तो अप्रोक्सीमेटली सेवन पॉइंट नाइन के आसपास ये कब किया जा सकता है ये कब करना है जब क्या दिए गए हो सभी के पीकेज दिए गए हो नहीं दिया तो नहीं दिया तो क्या करेंगे फिर दिया तो कैलकुलेट करना ही है कंपलसरी तो क्वेश्चन ही पूछा गया है मतलब कोई और मेथड होगी इफ व्हाट विल बी डन कैसा करेंगे एग्जाम में ऐसा पूछा कि पीके भी नहीं दिया और पूछ लिया पी आई निकालो सिंपल लॉजिक लगाओ क्या लॉजिक लगाएंगे पीएस सात पर इस पर चार्ज क्या है पॉजिटिव वन है ना तो हमें क्या करना है चार्ज इसका जीरो लाना है जिस पर ऑलरेडी चार्ज पॉजिटिव है उसको जीरो करना है तो पॉजिटिव वन कम करना है एक पॉजिटिव कम करना है ना एक पॉजिटिव एक यूनिट से चार्ज कम करना है पॉजिटिव का तो क्या करेंगे पॉजिटिव चार्ज कम करना है तो पीएच बढ़ाएंगे कितने यूनिट से एक यूनिट से तो पीएच एट करने पर चार्ज क्या आ रहा है जीरा. 7.9 पॉइंट को हम 8 भी कह सकते हैं ना उसी उस हिसाब से कैलकुलेट करें या इस हिसाब से कैलकुलेट करें एवरेज पी ए पी आई तो लगभग सेम ही आने वाला है तो पी आई जनरली इस लॉजिक से एक निकाला जाता है पी आई कि पी एस सात पर चार्ज कुछ है तो इस पर्टिकुलर प्रोटीन या पेप्टाइड का पी आई क्या होगा तो पी चेंज करकर उसका चार्ज बदला जा सकता ओके कैन यू टेल देर इज वन प्रोटीन आई डोंट नो वॉट इज द कम्पोजिशन वगैरह कुछ भी नहीं दिया प्रोटीन पी एच सेवन पर चार्ज बताता है प्लस थ्री तो इसका पी आई आए क्या आएगा? प्लस थ्री चार्ज है प्रोटीन पर अब छोड़ दो डिसोसिएबल ग्रुप कितने हैं क्या है उन्होंने भी कुछ बताया नहीं हम भी कुछ पूछेंगे नहीं हम भी ऐसी आंसर दे देंगे हाँ पीएच प्लस चार्ज कम करना है एट कर, कर देखिए तो चार्ज क्या आएगा प्लस टू आएगा नाइन करके देखिए तो प्लस वन आएगा प्लस वन चार्ज कम हो रहा है ना हर एक यूनिट पीएस से बढ़ाए पी एच बढ़ाए तो टेन करने पर चार्ज आएगा जीरो इसका मतलब इसका पी आई क्या आ रहा है टेन टेन इज दी आई ऐसे ही पूछ लिया कोई प्रोटीन है प्रोटीन पर माइनस टू चार्ज है पीएस सात पर तो ये प्रोटीन किस इलेक्ट्रोड की ओर मुंह करेगा एनोड की ओर पर लेकिन इसका पी आई क्या है पी आई क्या है अब क्या करना है माइनस चार्ज कम करना है माइनस चार्ज एक यूनिट से कम करना है तो पीएच एक यूनिट से कम करना पड़ता है ओके okay? एक यूनिट से पीएच कर, कम करेंगे छ करेंगे तो माइनस वन चार्ज आएगा पीएच पांच करेंगे तो जीरो चार्ज आएगा इसका मतलब इसका पी आई क्या है कुछ समझ में आ रहा है कौन सा प्रोटीन था ये एसिडिक बेसिक ये कौन सा प्रोटीन है एसिडिक एसिडिक और ये कौन सा प्रोटीन था बेसिक क्योंकि इसे पी एस पर पॉज की ओके बेसिक प्रोटीन हो या बेसिक अमीनो एसिड हो कोई भी हो कल भी हमने डिस्कस किया था लॉजिक वही है बेसिक प्रोटीन हो या अमीनो एसिड हो उनकी पीआई वैल्यू सेवन से ज्यादा ही आने वाली है, है। लाइसिन आर्जिनिन का पीआई हमने कैलकुलेट किया था नौ के आसपास थी तो बेसिक प्रोटीन की पी इन जनरल पीएच एच सेवन से ज़्यादा ही होती है लॉजिकल जब कभी पॉजिटिव चार्ज वाला प्रोटीन दिखे तो ऑब्वियसली इसका पी आई पी एच सेवन से ज़्यादा होगा okay. ताकि कैलकुलेशन की जरूरत ना आए ये चीज़ें क्लियर होंगी तो डायरेक्टली कुछ ऑप्शन है बड़ी तो पी आई एक ही ऑप्शन सेवन से ज्यादा होगा तो ऑप्शन वही रहेगा सिक्स पॉइंट फाइव सिक्स पॉइंट एट सिक्स पॉइंट नाइन ऐसा कुछ होगा नहीं सेवन पॉइंट एट वगैरह कुछ होगा तो वही पी आई रहेगा प्रोटीन एसिडिक हो तो पी आई क्या रहेगा लेस लेस देन देन ठीक है एसिडिक प्रोटीन का पी आई लेस देन सेवन होता है एसिडिक एसिड का PI भी लेस देन सेवन था बेसिक प्रोटीन का पी आई मोर देन सेवन होता है बेसिक एसिड का भी वही था ओके कैलकुलेट द चार्ज ऑन दिस पेप्टाइड एट पीएच एच सेवन पर पीएच 8 पीएच 8 पर इस पेप्टाइड पर चार्ज कैलकुलेट करें पेप्टाइड के नाम दिया है फोर अमीनो एसिड का पेप्टाइड है चार अमीनो एसिड रेसिड्यू है एलानिन सिस्टीन एलानिन 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 सिस्टीन एलानिन एलानिन यह चार अमीनो एसिड रेसिड्यू का पेप्टाइड दिया है और आपको पूछा गया है पीआई क्या है समझ में आ रहा है पीआई क्या है तो पहले तो पी एच सात पर चार्ज निकालना पड़ेगा ना क्या आएगा इस साइड में एन एच थ्री प्लस साइड में सी ओ माइनस ये पी एच सेवन पर चार्ज क्या है इसका लगभग जीरो लेकिन आपको पी एच सेवन पर नहीं पूछा गया है पी एच एट पर इसमें डिसोसेबल ग्रुप किसके पास है और एल के पास तो नहीं है ना तीन एल एन सिस्टिन के पास है क्या के पास है डिस्पोसेबल ग्रुप है क्या है एसएच इसका पीके क्या था याद आ रहा है पीके एसएच कल भी हमने कैलकुलेशन के समय लिया था पीके इसका पीके लगभग एट पॉइंट वन फाइव के आसपास होता है इसका एसएच ग्रुप का पीके एट पॉइंट वन फाइव या एट कंसीडर करें और आपको चार्ज कहां पर पूछा जा रहा है एट पर एट पर क्या मतलब इसका पीके एट है ना पी के एट है तो पीके पर वह मोलिकूल पूरा एस माइनस रहता तो माइनस तो वन चार्ज कहते हैं लेकिन यह पी एच आर्ट पर फिफ्टी परसेंट यस माइनस है यस एच है फिफ्टी परसेंट तो चार्ज क्या आएगा एवरेज चार्ज क्या आएगा माइनस पॉइंट फाइव ये तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहे ओके, okay, आएगा? माइनस पॉइंट फाइव ऐसा कुछ पूछा है तो इस प्रकार से ऑप्शन होगा तो आपको दिमाग लगाना है अदरवाइज रैंडमली पूछा जा रहा है एट पर पीएच क्या पी पीएच एट पर चार्ज क्या होगा तो आप बता देंगे माइनस वन होगा क्योंकि पीएच सेवन पर क्या था जीरो था तो एट पर क्या आएगा माइनस वन पूछना चाहता है एग्जामिनर तो इस प्रकार से बता। जा रहा है, is no में लेकिन ऑप्शन में माइनस वन भी है और माइनस पॉइंट फाइव भी है तो इसका मतलब वो क्या पूछना चाह रहा है ये आपको उसकी साइकोलॉजी समझ लेनी है एग्जाम में ये समझना बहुत जरूरी होता है एग्जाम एग्जामिनर क्या कहना चाहते हैं ओके तो इस हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए ऑप्शन में माइनस वन भी है माइनस पॉइंट फाइव भी है तो मोर प्रिसाइजली चार्ज इज माइनस ठीक है तो एक प्रोटीन है जिसकी पी आई वैल्यू फोर है पी आई वैल्यू फोर है तो पी एच फाइव पर पी एच सिक्स पर पीएच सेवन पर पी एच एट पर पीएच नाइन पर पी एच थ्री पर और पी एच टू पर चार्ज क्या है चार्ज ऑन दिस पी एच अब यहाँ पर डिसोसेबल ग्रुप कितने हैं? अनलिमिटेड कंसिडर करें क्योंकि कोई बता रहा नहीं है ना इतने प्रो, या अमीनो ग्रुप थे इतने कार्बोक्सिल ग्रुप थे आप भी जस्ट आपके लॉजिक से हिसाब से आप चेंज करते जाए पी एच चार पर चार्ज क्या है जीरो है पी एच पांच करें तो पीआई से पीएच ज्यादा रहेगा तो कल भी हमने डिस्कस किया था कौन सा चार्ज ज्यादा बढ़ेगा नेगेटिव और पीएच पीआई से कम करेंगे तो कौन सा चार्ज बढ़ेगा पॉजिटिव ठीक है ये लॉजिक है तो एक यूनिट से पीएच बढ़ रहा है तो कौन सा चार्ज बढ़ा एक यूनिट से माइनस दो यूनिट से पीएच बढ़ा तो माइनस टू तीन यूनिट से पीएच बढ़ा तो माइनस थ्री चार यूनिट से बढ़ा तो माइनस फोर पांच यूनिट से बढ़ा तो माइनस फाइव छह यूनिट से बढ़ता पीएच एच टेन रहता तो हम माइनस सिक्स कह देते हैं यहाँ पर अब अमिनो ग्रुप कितने हैं सर कार्बोक्सिलिक ग्रुप कितने है? सोचना ही नहीं है कब लगाना है दिमाग उस प्रकार से जब पेप्टाइड में खुद एग्जामिनर कह रहा है कि इतने इतने प्रोटोनेटेड होने वाले ग्रुप है डी प्रोटोनेटेड वाले होने वाले ग्रुप है तब जाकर सोचना इन्हें कहना क्या है रैंडमली वह भी प्रोटीन के बारे में पूछ रहे हैं आप भी रेंडम आंसर देते है। अब पीएच एच तीन पर क्या आंसर होगा पीएच तीन पर माइनस नहीं प्लस वन क्योंकि pH 4 पर जीरो था ना तो एक यूनिट से कम पीएच करने पर प्लस वन पीएच टू पर प्लस टू पीएच वन पर प्लस 3, pH 0 पर प्लस 4, ठीक है? इस प्रकार से प्रोटीन का चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू पीएच अराउंड इट वेरी होता है आसपास के पीएच के हिसाब से प्रोटीन पर का चार्ज वेरी होता है समझ में आ रहा है दिस इज पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन एंड द चार्ज ऑन दिपटाइड चार्ज ऑन द प्रोटीन पी आई वैल्यू ऑफ प्रोटीन पी आई वैल्यू ऑफ तो इतनी चीजें हमने आज डिस्कस की है बाकी पार्ट हम कल डिस्कस करेंगे बायोकेमिस्ट्री का मेनली हम डिस्कस करेंगे कल न्यूक्लियोटाइड्स में न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में न्यूक्लियोटाइड्स जो आखिरी टॉपिक रहेगा अपना मोनोमर्स से रिलेटेड परसों से हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चरल लेवल्स of proteins structural level is the last part of basic biochemistry